So we are going to start with your combined standard deviation और combined standard deviation का मतलब क्या होता है? The mean standard deviation and number of observation of two groups if they are given, then standard deviation is obtained by combining the two groups of two groups of observation, ठीक है, and it is ऊपर का रख देती हूँ, it is denoted by SC, ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, लिख लिया सबने, सबने लिख लिया बच्चा? यस टीचर। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट विल बी योर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? SC इज इक्वल टू रूट ऑफ, एक्चुअली मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, एक मिनट, इसको क्लियर और राइट करें, SC इज इक्वल टू, दिखाई देगा, चलो ऐसे ही करते हैं, SC इज इक्वल टू रूट ऑफ एन वन एस वन स्क्वेयर प्लस डी वन स्क्वेयर प्लस एन टू इंटू ब्रैकेट एस टू स्क्वेयर प्लस डी टू स्क्वेयर, भाई किसका कैमरा वो चालू हुआ, डी टू स्क्वेयर डिवाइड बाय एन वन अपॉन एन टू, ठीक है, दिखाई दे रहा है फॉर्मूला क्या है ना, तो एन वन है एस वन स्क्वेयर प्लस डी वन स्क्वेयर एन टू एस टू स्क्वेयर प्लस डी टू स्क्वेयर डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू, ठीक है, अब यहाँ पर एन वन क्या होता है, एन वन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, S1 is equal to standard deviation of first group. X1 is equal to mean of first group. अच्छा, इसमें mean of first group भी हमको XC भी find करना पड़ेगा, उसका भी formula आपको बता दूंगी, ये हो गया X1 हो गया, then we have X N1 and N2 S हो गया, XC is equal to योर कंबाइंड मीन, एक्सी का मतलब क्या होता है, कंबाइंड मीन, ओके, और कुछ छोटा, एन वन हो गया, ओके, चलिए, और एक और फॉर्मूला रहेगा आपका, सेकेंड फॉर्मूला विल बी योर एक्ससी का फॉर्मूला रहेगा, दैट इज एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा कंबाइंड कंबाइंड मीन का, ये हमने शायद पहले किया हुआ है कंबाइंड मीन, इससे पहले चैप्टर नंबर 3, हाँ कंबाइंड मीन किया हुआ है, तो उसकी आपको ये सब वैल्यूज का मतलब तो पता ही है, एन वन का मतलब क्या होता है, एक्स वन का मतलब क्या है, ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, so okay, let us move further, let us start with your exercise 4.6. 4.6 में क्या होता है, first question बहुत easy है, उसको कुछ भी आपको find नहीं करना है, all the values are already given, you have to just apply the formula, तो xc का formula लगाते हैं हम लोग, n1 plus x1
प्लस एन टू इंटू एक्स टू डिवाइड बाय, ये इन टू है, डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू। अच्छा बताओ यहाँ पे एन वन की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर इन एन वन? 50। एन वन की वैल्यू है 50 और एक्स वन की वैल्यू है आपकी 60। 50 इंटू 60, ठीक है, 50 इंटू 60 प्लस, अरे पहले वैल्यू तो रख दो, 60 इंटू 40, ठीक है, एन वन प्लस एन टू, 50 इंटू 60, 60 इंटू 48 डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू, एन वन प्लस एन टू, एन वन की वैल्यू कितनी है हमने अभी देखी थी, इट वॉज 50 प्लस 60, ठीक है, तो वी विल फाइंड आउट 50 इंटू 60 दैट विल बी 3000, वेरी गुड, 3000, इट इज 3000 प्लस 60 इंटू 48, 60 इंटू 48 2880। मेरा कैलकुलेटर टीचर के पास नहीं रहेगा, अभी कैलकुलेटर आपके पास है, फटाफट आंसर बोलने का, एंड इट इज 110, लास्ट इज योर 2880, हाँ, तो इट इज 2880, हाँ ठीक है, 110 हो गया, अब करो 3000 प्लस 2880 में 55880 डिवाइड बाय 110 फाइंड करो, व्हाट इज द 53.45, इट इज 53.45 मार्क्स, गॉट इट, ओके, ये तो हमने क्या फाइंड कर लिया, कंबाइंड मीन, नाउ वी विल फाइंड आउट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, इट इज रूट ऑफ एन वन इंटू ब्रैकेट एस वन स्क्वेयर प्लस यू कैन से, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है ना, एस वन स्क्वेयर डी वन स्क्वेयर प्लस एन टू इंटू ब्रैकेट एस टू स्क्वेयर प्लस डी टू स्क्वेयर, ऊपर स्क्वेयर आ नहीं रहा है, स्क्रीन खत्म हो गई है, डी टू के ऊपर स्क्वेयर लगा देना सब लोग, है ना, डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू, ठीक है, यहाँ डी टू के ऊपर स्क्वेयर लगेगा। चलिए हम लोगों ने फाइंड कर ली है मैक्सिमम वैल्यूज हमारे पास दी हुई है और हमने कंबाइंड मीन भी फाइंड कर लिया है, तो लेट अस पुट द वैल्यू, एन वन की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन वन, 50, इट इज 50 इनटू ब्रैकेट एस वन स्क्वायर, एस वन की वैल्यू दी हुई है 10, तो हमको करना है 10 का स्क्वायर, पहले हम 10 का स्क्वायर करेंगे प्लस डी वन का स्क्वायर, डी वन हमने यू कैन से कितना है D1, अच्छा D1 हमने फाइंड नहीं किया ना, चलो D1 फाइंड करते हैं पहले, यहाँ पे D1 is equal to x1 minus xc, तो D1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 60, तो 60 minus it was 53.45 ना, हाँ it was 53.45, तो कितना होगा 60 माइनस 53.45, 6.54, इट वाज बी 6.55 का स्क्वायर, ठीक है, ओके, प्लस करते हैं हम लोग एन टू, एन टू की वैल्यू कितनी थी, 60, एन टू की वैल्यू है, इट इज लेट मी सी एन टू की वैल्यू है 60 इंटू ब्रैकेट एस टू की वैल्यू कितनी है, इट इज 12 का स्क्वायर प्लस डी टू फाइंड करना रह गया, तो हम लोग डी टू फाइंड कर देते हैं, डी टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स, एक्स टू की वैल्यू कितनी थी हमारी, इट वॉज 48 48 minus 53.45, so that will be
48 minus 53 minus 5.45 minus 5.45 it will be minus 5.45 ठीक है यहां पर कॉर्नर में आएगा 5.45 ना यहाँ पर 5.45 का स्क्वायर आएगा समझ जाओगे स्क्रीन खत्म हो रहा है ना तो मेरा आ नहीं रहा है समझ जाएंगे ना सब लोग 5.45 का स्क्वायर ओके डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू एन वन की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 60 इट इज 50 प्लस 60 हमने अगर वैल्यू पुट कर दी है सही देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम ये डी वन में डी वन और डी टू रब कर देती हूँ और अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इट वुड बी 50 रूट ऑफ मैं थोड़ा टेढ़ा इसलिए ले रही हूँ स्क्रीन जिससे मुझे ज़्यादा मिले ठीक है आप लोग टेढ़ा मत लेना 50 इंटू ब्रैकेट 100 ठीक है प्लस 6.55 का स्क्वायर करो 42.9 इंटू ब्रैकेट 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस स्क्वायर करो 5.4 क्या था वो 5.4 ठीक है ये पूरा एक ही लाइन में आएगा ठीक है आपकी नोटबुक में आ जाएगा मेरी नोटबुक में नहीं आ रहा है नेक्स्ट डिवाइड बाय 50 प्लस 60 दैट विल गिव यू हाउ मच करो 100 प्लस 42.9025 मेरे साथ 142.9025 को इनटू 50 करो मेरे साथ साथ करते जाओ 7145.125 प्लस 144 प्लस 29.7025 173.70 दो अलग अलग वैल्यू आ रही है पक्की वैल्यू बताओ 144 प्लस 29.7025 कितना होगा 173.7025 ओके इनटू 60 104.225 ओके सो दैट विल बी 104.225 डिवाइड बाय 110 ठीक है ओके अब इन दोनों का टोटल कर दो 714.5 प्लस 0.125 प्लस 104.225 मैं ऊपर का थोड़ा रब कर देती हूँ सम ऊपर ले जाती हूँ इट इज 175 इसका रूट निकालो 12.63 आगे कुछ है 12.63 के 6.37 ओके समझ में आया सबको बेटा इसमें ध्यान ये रखना है कि वैल्यू आप प्रॉपरली पुट करो
अगर एक भी वैल्यू इधर उधर हुई, ये सब में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इतनी सारी वैल्यूज होने की वजह से बच्चे अगर वैल्यूज को अगर कहीं पे मिसप्लेस कर देंगे तो आंसर विल नॉट कम. कार्तिक इज ही प्रेजेंट राइट नाउ? कार्तिक प्रेजेंट है अभी? आई हैड अ टॉक विद दैट चाइल्ड यस्टरडे. 11th ए में कार्तिक है कोई बच्चा? प्रेजेंट है अभी? मॉनिटर जरा चेक करके बताओ ना, कार्तिक प्रेजेंट है? नो टीचर, नहीं प्रेजेंट है. ठीक है चलो, बिकॉज ही हैड डिफिकल्टी यस्टरडे, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क हिम कि भाई उसको समझ में आया कि नहीं आया. ठीक चलो, एक्सरसाइज ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग कल के जैसे ट्राई करें. कोई करना चाहेगा सेकेंड क्वेश्चन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. कौन करना चाहेगा बोलो? इशिका. Let me find out इशिका here. आपका रोल नंबर क्या है इशिका? क्लास कौन सी है? 11th A, रोल नंबर 7. 11th A. इशिका. Okay. इसी का आप शेयर करने की कोशिश करो, मैंने अलाउ किया है. टीचर नहीं हो रहा है. एक मिनट. अब करो, ट्राई करो इसी का. बेटा मैंने कर दिया, आपको आ नहीं रहा है. आप क्या करो मीटिंग सेटिंग्स में, एक मिनट. शेयरिंग व्हाइल द अदर पार्टिसिपेंट इज शेयरिंग. अच्छा मुझे शेयर बंद करना पड़ेगा. ओहो स्टॉप शेयर. अब कर, मैंने अपना शेयर बंद कर दिया, अब आप शेयर करो. यस सर आ गया. ओके नाउ स्टार्ट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर क्वेश्चन नंबर 2. इंफॉर्मेशन दी हुई है 2 सेक्शन ऑफ फैक्ट्री. इशिका यू नो हाउ टू डू दैट? साइड में एक पेन होगा बेटा. इशिका साइड में आप टच करोगे? ओके ठीक है चलो. N1X1 plus N2X2 साथ साथ में बोलते रहो इशिका. डिवाइड बाय, क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी इशिका. थोड़ा क्या करो, कीप योर मोबाइल नीचे टेबल पे रखो एंड यूज इट एज अ पिन. आपकी जो फिंगर है, फिंगर को अगर आपके पास स्टाइलस है तो ठीक है, अदरवाइज यूज वो जो मोबाइल है, मोबाइल स्क्रीन को वहां टेबल पे रखो. मैं भी वही करती हूँ, उसको टेबल के ऊपर रखो. टेबल के ऊपर रखने के बाद यू जस्ट राइट एज इफ यू आर राइटिंग इन अ नोटबुक, तो इजी हो जाएगा. टीचर मैं नोटबुक में करके बताऊं तो चलेगा? करके देखो. यस टीचर. अच्छी का शेयर हो गया स्क्रीन, फिर आप वापस आ रहे हो जा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो. ओके टीचर, आई विल ट्राई. आपने स्क्रीन कर दिया था,
यस टीचर। अच्छा फिर से ट्राई करो, कोई बात नहीं, आप बार बार रब करके कर देना। चलो हम मैं आपको हेल्प करती हूँ। एक्स सी का फॉर्मूला क्या है, लिखो एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू। एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू। वेरी गुड, डोंट वरी अबाउट। हाँ, 225 प्लस प्लस 40 इनटू 20 डिवाइड बाय 110 प्लस 40। वेरी गुड, दिस विल गिव यू 10 इनटू 25 विल बी योर 250। 40 प्लस 40 इनटू 2800 डिवाइड बाय 50। 50। वेरी गुड, ठीक है। आप है ना साई पास में एक बटन ये भी होता है क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, तो अगर आपको पूरा पेज रिमूव करना हो ना तो यूज दैट बटन क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, ठीक है। चलो कितना yes, हुआ? वो इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इसलिए बताए, ठीक है। तो दैट विल बी 1050 डिवाइड बाय, वेरी गुड, दैट विल गिव यू 21 मिनट्स। वेरी गुड, चलो सबका आ गया कंबाइंड मीन, सबका आ गया 21 मिनट्स सभी बच्चों का। yes, जिसका नहीं आया वो लोग चेक कर लो। ओके इशिका ने, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ फॉर्मूला डी वन इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स सी इक्वल टू 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4। वेरी गुड, एंड डी टू, डी टू इक्वल्स टू एक्स बार माइनस एक्स अपॉन सी, एक्स टू माइनस एक्स सी होगा ना, डी टू इक्वल टू एक्स टू, कोई बात वो होता है एक साथ लिखते में हो जाता है। 20 माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस 1। वेरी गुड, दैट विल गिव यू डी वन और डी टू मिल गया, और एस वन की एस वन एस टू की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। S2 का होता है इक्वल्स टू 25। ओके S अपॉन C इक्वल्स टू N1 इनटू ब्रैकेट N1 S1 का स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर प्लस D2 होल स्क्वायर। Very good. Divide by upon n plus n2. N1 plus n2. Very good. Equals to 10 into 32. 4 plus 4 plus 40. 5 plus 1. बेटा S1 square आपने 16 नहीं find किया था? Sorry. Yes, sorry teacher. हाँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। 25. हाँ, 25 और 10 plus 40. रब कर दूँ teacher? हाँ, रब कर दूँ। Well, मैंने क्या बोला, वो जो अभी आपने बोला ना, वो ही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग बहुत सारी वैल्यूज है ना, इसलिए ध्यान ध्यान से देखने का कि कौन सी वैल्यू क्या है। जैसे हम लोग कई बार क्या होता है एस वन स्क्वायर की जगह एस वन की वैल्यू डाल देते हैं, फिर आंसर नहीं आता, फिर हम बोलते अरे मैंने तो किया था पर मेरा आंसर नहीं आया, है ना। तो यस टीचर, चलो करो 10 इनटू ब्रैकेट 16 प्लस 16 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 1। वेरी गुड, 1 अपॉन 10 plus 40. 10 plus? ये 10, क्या किया आपने? 10 plus 40 कैसे किया आपने? 10 into 10 को 32 10. से 10 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 16 plus 16 है टीचर, अब नीचे कर रही हूँ। ओके ओके ओके, अच्छा 10 into 32 plus 40 26 plus 1040 very good
डिवाइड बाय अपॉन 50 ओके 320 प्लस 1360 अपॉन 50 ओके गुड इक्वल्स टू 50 27.2 वेरी गुड इक्वल्स टू 5.22 मिनट वेरी गुड ईशिका गुड जॉब बेटा वेरी गुड चलो सो विद दिस वी हैव थैंक यू वेरी गुड चलो अब नेक्स्ट टाइम कोई और बच्चा करेगा ईशिका को चांस मिला है अब नेक्स्ट टाइम किसी और बच्चे को हम चांस देंगे सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 4.6 इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज 4 एंड जैसे ही वो कंप्लीट होती है देन वी विल हैव आवर टेस्ट ओके नाउ आप स्क्रीन शेयर बंद कर दो ईशिका ओके सो एनी डिफिकल्टी इन दिस टुडेज पॉइंट नो मैम अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यस्टरडे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम कार्तिक दैट ही इज हैविंग डिफिकल्टी बट ही इज नॉट प्रेजेंट राइट नाउ अदरवाइज आई वुड हैव सॉल्व हिज डिफिकल्टी तो कोई भी डिफिकल्टी हो मैसेज करिए कॉल करिए आई विल हेल्प यू विद दिस योर डिफिकल्टी ओके अदर देन दैट आई वुड लाइक टू से कि भाई आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन विच ही हैड कि मैम हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कैसे कंप्लीट करूंगा या फिर मेरा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा ही हैड नंबर ऑफ क्वेरीज रिलेटेड टू दैट तो वो क्वेरीज अपने मन में मत रखिए हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन वो इट इज इक्विवेलेंट टू योर ऑफलाइन क्लास आपकी ऑनलाइन क्लास की आपकी ऑफलाइन क्लास इतनी ही अफेक्टिव है देखो यहाँ पर क्या होता है कि भाई टीचर आपको पढ़ाती है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप टीचर से क्वेश्चन पूछते हो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आप बोर्ड पे सम सॉल्व करते हो वो भी हमने ट्राई किया तो बच्चे बोर्ड पर सम भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो वी आर वर्चुअल क्लास है बट इट इज इक्विवेलेंट टू योर रियल क्लास ठीक है तो टेक दिस क्लास सीरियसली और क्लास में हम लोग धीरे धीरे एक दो सम यूज करते रहेंगे जिससे क्या है कि आपके आपको भी लोड नहीं लगेगा कि भाई मेरे को इतना सारा करना है एक एक्सरसाइज हो गई हाउ वुड आई डू तो रोज एक सम करेंगे एक सम आप खुद करिए एक मैं करवाऊंगी और होमवर्क करेंगे तो अब आपको होमवर्क में क्या दूंगी मैं इलस्ट्रेशन ऑफ दिस टाइप इलस्ट्रेशन जो है ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपको कम्प्लीट करना है वी हैव कम्प्लीटेड द एक्सरसाइज ठीक है ओके सो विद दिस वी कम्प्लीट योर टुडेज लेक्चर Now I have 12th standard lecture today. So today that economics lecture will not be there. Aaj sirf statistics ka lecture rahega, economics ka lecture nahi hoga. Fine? Okay. So should we end the meeting now? Any difficulty? Any queries, difficulty for exercise 4.2 or any other topic of this chapter? Kisi ko koi query hai beta? Okay. No, fine. Okay. So goodbye, students. Goodbye for now. Stay home, stay safe. घर रहिए, सुरक्षित रहिए और virtually पढ़ते रहिए. Okay? Bye, बेटा. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, ma'am. Bye. Bye.